हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। दिन की शुरुआत करेंगे WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट से, जिसमें मैं कवर करने वाला हूं रोंडा रोजी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट को। रसलमेनिया 35 के बाद रॉ और स्मैकडाउन में कुछ सुपरस्टार के इंजर्ड होने की अपडेट सामने आ रही हैं। सबके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से, जो कि मल्टीपल सुपरस्टार से रिलेटेड है। हाल ही में रसलमेनिया 35 हुआ और उसके बाद रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड देखने को मिले थे। उसके बाद काफी सारे सुपरस्टार को लेके इंजरी के अपडेट सामने आ रही हैं। आप सभी को बता दूं, इसमें पहला नाम बिगी का है। स्मैकडाउन के रिसेंट के एपिसोड के बाद उनको इंजर्ड बताया जा रहा है। अपडेट ऐसी है कि बिगी की नी इंजरी हुई है और इसकी वजह से वो शायद 6 वीक के लिए WWE से बाहर रह सकते हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि इस इंजरी से रिकवर होने के दौरान WWE उन्हें टीवी पे दिखाएगा, बट मैच नहीं लड़वाएगा। नेक्स्ट नाम इसमें डेनियल ब्रायन का भी सामने आ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेनियल ब्रायन के WWE करियर में इंजरी वर्ड काफी खतरनाक है। कुछ टाइम पहले उन्होंने इंजरी की वजह से WWE से दूर होना पड़ा था, बट उन्होंने कुछ टाइम पहले रिकवर होकर वापसी करी और WWE चैंपियन भी बने थे। हाल ही में वो रसलमेनिया 35 में कॉफी किंगस्टन के साथ मैच में अपना टाइटल गंवा बैठे थे। इस मैच के बाद अपडेट ऐसी है कि डेनियल ब्रायन भी इंजर्ड हैं। नेक्स्ट नाम जो सामने आ रहा है वो है एजे स्टाइल्स का। जैसा कि एजे स्टाइल्स ने रसलमेनिया 35 में अपना मैच रैंडी ऑर्टन के खिलाफ लड़ा था, इस मैच के दौरान टॉप रोप से एक सुप्लेक्स के बाद एजे स्टाइल्स की रिब्स में खिंचाव और मोच वगैरह आई हैं, जिसके बाद उनके एक्सरे वगैरह हुए थे जो कि नॉर्मल है, और बताया जा रहा है कि वो इसी वजह से स्मैकडाउन के इस एपिसोड में नहीं दिखाई दिए थे। एजे स्टाइल्स ने कहा है कि वो जल्दी ठीक होकर वापसी करेंगे। अगला नाम इसमें ड्रू मैकइंटायर का सामने आ रहा है, बट इनकी इंजरी पर कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो इंजर्ड हैं, वहीं कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो एक स्टोरीलाइन है। आप सभी ने इस वीक स्मैकडाउन पर ड्रू मैकइंटायर को 6-मैन टैग टीम मैच में देखा था न्यू डे के खिलाफ। वहीं ड्रू मैकइंटायर ने इस मैच को बीच में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रिपोर्ट्स आईं कि वो इंजर्ड हैं और कुछ रिपोर्ट्स ने दावा करा है कि WWE ने उन्हें जानबूझकर इस मैच से हटाया था। न्यू डे से हार के वक्त उन्हें वहां नहीं दिखाया जाए इस वजह से। अब बात आती है रोंडा रोजी की, तो रसलमेनिया 35 में रोंडा रोजी ट्रिपल थ्रेट मैच का हिस्सा थी। वहीं आप सभी को बता दूं, इस मैच को लेके काफी सारी कंट्रोवर्सी रही है जो अब फिर से बढ़ गई है। इस मैच के रिजल्ट को लेके काफी खबरें सामने आई और रेफरी ने रोंडा रोजी के शोल्डर ऊपर होने के बाद भी काउंटिंग करी और वो टाइटल हार गई थी, और रेफरी ने काउंट आउट बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, जिसके बाद रोंडा रोजी काफी नाराज नजर आई थी। वहीं अब एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिसमें बताया गया है कि बेकी लिंच रोंडा रोजी को टैप आउट करवा के हराने वाली थी, बट मैच शुरू होने से पहले रोंडा रोजी ने टैप आउट करने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद स्क्रिप्ट टीम में काफी हड़बड़ी हो गई थी और उन्होंने फिर बाद में पिन करने का डिसीजन लिया। तभी बेकी लिंच ने रोंडा रोजी को पिन करके इस मैच में हराया था और टाइटल जीता था। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।